आज की कहानी है जुड़वा बहने सरकारी नौकरी वाला पति। जौनपुर नाम का एक गांव था, वहाँ दो जुड़वा बहने रहा करती थी, सुधा और स्नेहा। स्नेहा बड़ी थी, यानी 2 मिनट पहले सुधा से हुई थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा नकचड़ी और बदमाश थी। वहीं सुधा इसके बिल्कुल विपरीत, सीधी साधी और घरेलू लड़की और कम मेकअप में रहने वाली थी। वो सिंपल लड़की थी। एक दिन दोनों बहनें जब घर में बैठ के कुछ बात कर रही थी, तभी उनके पिता बाहर से आते हैं और उन दोनों को आवाज लगाते हैं। सुधा, स्नेहा, जल्दी बाहर आओ, तुमसे कुछ बात करना है, जल्दी करो, बाहर जल्दी आओ। दोनों बहनें बाहर आती हैं कुछ देर में। स्नेहा बाहर आते ही बोलती, क्या हुआ पापा, क्यों बुलाया आपने? मैं अंदर थी ना, फोन चला रही थी, मुझे बहुत काम था। तभी तुरंत सुधा बोलती है, क्या हुआ पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको दवा हुआ की तो जरूरत नहीं है, आपको भूख तो नहीं लगी हुई है पापा, आपको खाना और तो खाना है। तब तुरंत उसके पिता मोहन बोलते हैं, नहीं नहीं बेटा, मेरी तबीयत खराब नहीं है, तुम दोनों को कल लड़के देखने आने वाले हैं, तुम दोनों तैयार रहना। कहकर वो लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगला दिन हो जाता है। वो दोनों भाई प्रवीण और सुनील कल होते ही उनके घर आ जाते हैं। मोहन बाहर निकल कर आता है, तभी प्रवीण बोलता है, अंकल देखिए मुझे आपसे कुछ कहना है, मैं पहले ही आपको बता देना चाहती। प्रवीण बोलता ही रहता है, तभी सुनील बोलता है, अंकल देखिए हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि हम आपकी बेटियों को पहले देखेंगे, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, उनका कुछ टेस्ट लेंगे, तभी उनसे हम शादी करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये हमारी जिंदगी का सवाल है, इसलिए हम आपसे पहले ही इसकी अनुमति मांग रहे हैं, क्या आप इसके लिए तैयार हैं, आप हमें बता दें। तुरंत मोहन बोलता है, हाँ बेटा क्यों नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, मुझे पूरा भरोसा है तुम लोग एक अच्छे खानदान के लड़के हो, तुम्हें जो पूछना है जैसे पूछना है तुम मेरी बेटियों से पूछ सकते हो, चलो कुछ चाय नाश्ता कर लेते हैं। वो लोग फिर बैठ के चाय नाश्ते करते हैं और गप्पे लड़ाने लगते हैं। तभी जब कुछ देर हो जाता है तो मोहन बोलता है, रुको बेटा मैं देखता हूँ, वो लोगों को बाहर भेजता हूँ अभी, आप लोग सब लोग बैठ के एक साथ बातें करना फिर। और वो इतना कहकर अंदर चला जाता है। तभी अंदर से दोनों बहनें बाहर निकल के आती हैं और उन लोगों के साथ वहाँ बैठ जाती हैं। कुछ देर बैठने के बाद तभी उसमें से प्रवीण बोलता है स्नेहा को, आपको कैसे लड़के पसंद है, मुझे भी बताइए अपने कुछ पसंद। तभी स्नेहा उसे जवाब देती है, मुझे तो बहुत सुंदर, अमीर और हैंडसम लड़के पसंद है, जो मेरी सारी बातें माने और मेरा सारा कहा माने, मुझे तो एक अच्छा और संपन्न परिवार मिले और मैं चाहती हूँ मेरा पति बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट हो। वो बोलती ही रहती है, तभी सुनील तुरंत सुधा से पूछता है, आपको कैसे लड़के पसंद है, हमें भी कुछ बताइए अपनी पसंद के बारे में आप भी। सुधा बोलती है, देखिए मुझे एकदम सिंपल, सीधा साधा और ईमानदार लड़का पसंद है, क्योंकि बनावटी लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो सीधे होते हैं उनका मन भी साफ होता है, इसलिए मुझे सीधे लड़के पसंद है, भले वो थोड़ा कम कमा ले लेकिन परिवार को खुश रखे, मुझे ऐसे लड़के पसंद कर आते हैं। स्नेहा तभी अपने मन में सोचती है, इन लोगों को तो मैं ही पसंद आई होंगी, क्योंकि मैं खूबसूरत भी हूँ और अच्छी भी दिखती हूँ। कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से चले गए उनके पिता को बोलकर कि हम कुछ दिनों में आपको सोच कर बताते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों बाद वो लड़के फिर से मोहन के घर आए। मोहन तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, बेटा अब आप लोग बताओ कि आपको मेरी बेटियों में से कोई बेटी पसंद आई या नहीं, आप जो भी आपका निर्णय होगा मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। तो तुरंत प्रवीण बोलता है,
अंकल, मुझे आपकी सुधा छोटी वाली बेटी बहुत पसंद आई, क्योंकि वह सीधी और साफ दिल की लड़की है। मुझे वैसी ही लड़की की तलाश थी और मेरी माँ भी वैसी लड़की को ही बहू बनाना चाहती है। तुरंत इन लोगों की बातें सुनते हुए स्नेहा कमरे से निकलकर आती है और बोलती है, ठीक ही हुआ तुमने सुधा को पसंद किया। वैसे भी मुझे तो सुनील ही पसंद किया होगा ना। सुनील, तुमने मुझे ही पसंद किया ना, बताओ ना, बताओ ना तुमने। सुनील बोलता है, नहीं देखो, मैं शादी शुदा हूँ, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था इसलिए, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अपने भाई के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश थी, लेकिन मैंने तुम्हारा व्यवहार देखा और तुम्हारी बहन का, तुम दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तुम एक लालची और स्वार्थी लड़की हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, तुम क्या परिवार चलाओगी, ऐसा वो बोलता है। कुछ समय बाद सुधा और परवीन की शादी हो जाती है और स्नेहा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए कहते हैं, ज़्यादा स्वार्थ और ज़्यादा लालच लोगों के लिए हानिकारक करता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिली।